होली का उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की शाम को शुरू होता है। देश भर में लोग हर साल रंगों के त्यौहार को बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार को डोल पूर्णिमा, रंग वाली होली, ठुंडली थूलेटी, मंजल कुली, याओ संग, उकुली, जजीरी, शिगमो या फगवा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त पर होली का दहन किया जाना चाहिए। इस वर्ष होली बुधवार 8 मार्च को मनाई जाएगी। होली पूरे देश में हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। यह हिंदू कैलेंडर के सबसे बड़े त्योहारों में एक है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली का दहन, जिसे छोटी होली के रूप में भी माना जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और अगले दिन लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेलते हैं। इस वर्ष होली का दहन 2023 का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 27 मिनट तक रहेगा। 7 मार्च मंगलवार को आप शाम 6:24 से 8:51 तक अनुष्ठान कर सकते हैं। होली की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। माना जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत होलिका और प्रहलाद की कथा से होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिससे वह आग से जल नहीं सकती थी। उसने प्रहलाद को मारने के लिए इस वरदान का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि आग ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और होलिका आग की लपटों में भस्म हो गई। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होली के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन को रंग वाली होली, ठुंडली या फगवा के नाम से भी जाना जाता है। यह वह दिन है जब लोग रंग, पानी और फूलों से होली खेलने के लिए एक साथ आते हैं, अपने सभी मतभेदों को भूल जाते हैं और जीवन की खुशियों का जश्न मनाते हैं। एक दूसरे के घर जाकर यह त्यौहार मनाते हैं। गुजिया, मठरी और पापड़ी जैसे विशेष व्यंजन बनाते हैं, खाते और खिलाते हैं। होली में इस्तेमाल होने वाले रंगों का भी काफ़ी महत्व है। लाल प्रेम और उर्वरता का प्रतिनिधित्व करता है। हरा नई शुरुआत और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पीला सुख और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और नीला परमात्मा और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि रंगों का शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि रंगों से खेलने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन से राहत मिलती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में होली अलग अलग तरह से मनाई जाती है। उत्तर में त्यौहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर पानी और रंगीन पाउडर फेंकते हैं, ढोलक और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। पश्चिम में लोग होलिका दहन की रात अलाव जलाते हैं और उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। पूर्व में लोग रंगीन पाउडर के साथ जटिल डिजाइन बनाते हैं और दक्षिण में लोग भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए पनकम नामक एक विशेष पेय तैयार करते हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।